ऊपर डालिए, इसके डालिए, 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 अरे ऊपर डालिए, आइए आज का दिन जो है वो रक्षा बंधन का दिन है, आपको खुद मालूम है। और रक्षा बंधन जो है वो रक्षा करने के लिए होता है, भाई जो है बहन की राखी बांधता है। तो हमने मतलब ये इस वक्त गौ रक्षा का जो मैटर चल रहा है और मुसलमानों को बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम इस बात के लग रहे हैं कि मतलब गौ हत्या के और इस तरह के इल्ज़ाम लग रहे हैं। तो आज हमारी जो महिलाएं हैं, मुस्लिम महिलाएं जो बुरखा पहने मतलब बुरखे में हैं, ऐसा नहीं है कि वो कहते हैं कि बुरखा किसी को पहना के ले आए हो, जाइए उनका पता पूछ लीजिए, ठिकाना पूछ लीजिए। सब मुस्लिम औरतें हैं और दिल से तहे दिल से आई हैं और इन्हें बाकायदा उनको गौ माता के जो है वो राखी भी बांधी है, उनको सहलाया भी है, उनको सब कुछ किया है। मतलब ये कि किसी तरह का मतलब ऐसा नहीं आपको दिखा होगा कि कोई भी जैसे कि जिस तरीके से कहा जाता है गौ माता के साथ में मतलब मुस्लिम भेदभाव करता है, उस भेदभाव को खत्म करने के लिए ये प्रोग्राम रखा गया है। और इसके अलावा दूसरा इफेक्ट बट कुछ भी नहीं। गाय को लेकर आप लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं, बड़े बड़े गौ रक्षकों को भी बात कर रहे हैं। देखिए मतलब गाय को लेकर ये कार्यक्रम कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, ये हम लोगों की भावना की बात है। और भावना जो है उसी भावना को देखते हुए, क्योंकि हमारे पिता श्री ने जो है गौदान यहाँ खड़े हुए हैं, यहीं पर किया था, यहाँ नन्ना गुरु थे, उनको हमारे पिता श्री दादा नवाब जिंदी ने शंकर भगवान का मंदिर बनवाया कि आप जाके देख लीजिए। मतलब ये कि जो हाथ चमकों को आरती नहीं, पढ़े लिखो फारसी नहीं, अभी देखिए पता कि मंदिर हमारे पिताजी श्री का बनवाया हुआ है। ठीक है सर, लेकिन आज आपने कार्यक्रम क्यों ऑर्गेनाइज कराया, क्या मकसद था? आज रक्षाबंधन था, इससे बड़ा मतलब ये कि आज जो गौ हत्या है उसको संदेश देने का इससे बड़ा और मतलब रक्षाबंधन से बढ़ के और कौन सा दिन हो सकता है? आप वो दिन बता दो जो दिन मतलब रक्षाबंधन से बड़ा हो। रक्षाबंधन के मतलब इसकी रक्षा को रक्षा होना चाहिए, इसलिए किया है आज के दिन। आज आपको लग रहा है कि गाय सबसे ज्यादा सुरक्षित है आज की तारीख में? आपको लग नहीं रहा है, अगर जो मतलब सामने मतलब ये बात लोग कह रहे हैं, विरोधी दल कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं विरोधी दल? कहते हैं कि मतलब गौ हत्या हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो इल्जाम लगाते हैं। आप बता दी बकरी का त्यौहार था, दो दिन पहले था, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी अपनी ऐसी घटना घटी हो तो बता दीजिए। कोई हमारे योगी जी के मतलब नेतृत्व में जो है कुछ भी इस तरह की घटना नहीं घटी है। ये बहुत प्रसिद्ध आपको लग रहा है गाय बहुत असुरक्षित है, उसकी सुरक्षा का ये बात जो है वो आपको लग रही होगी असुरक्षित है, हमको नहीं लग रहा है। हमको लग रहा है कि वो सुरक्षित है, और सुरक्षित तो हमारी बहनें भी सुरक्षित है। अगर सुरक्षित नहीं है तो ये बहन जो भाई को बहन और भाई को जो राखी बांधता है, तो जब एक जो बहन भाई को राखी बांध रहा है, रक्षाबंधन का त्यौहार है, और यही राखी जो थी आपको याद होगा, वो तो बहुत लंबी कहानी में चले जाएंगे, तो एक सेकंड में हम उसको खत्म कर देंगे कि हुमायूं की राखी बांधी थी रानी पद्मावती ने, भाई धागा भिजवाया था कि हमें रक्षा करने के लिए आ जाओ, और वो मेवाड़ गए थे अपने आप हुमायूं लड़ने के लिए, इसी रक्षाबंधन के खातिर जो था वो पूरा मेवाड़ जो था वो उनको वापस करा दिया था हुमायूं ने। सर लोग में अपोजिशन तो ये कह रहा है कि आप बिल्कुल खुश करने के लिए अपनी जो मौजूदा पार्टी के बड़े नेताओं को खुश करने के लिए इस तरह के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज लगातार कर रहे हैं। बहुत अच्छा मतलब आप लोग सवाल करते हैं और घूम घूम के सवाल करते हैं, मतलब आपको इसमें सच्चाई है कि नहीं? आप जब ये खुद भूल जाते हैं या भूलना चाहते हैं या हमको भुला देना चाहते हैं कि 4 साल पहले हमने खुद ही कहा था अगर भगवान श्री रामचंद्र जी के मंदिर में तो 10 लाख रुपया देंगे, रामलला के हम सोने का मुकुट चढ़ाएंगे, हमने समाजवादी पार्टी के टाइम में जो भंडारा करा रहे हैं, हमने क्या क्या किया है ये चौक चौराहे को बताइए। और चौक चौराहे पर अगर भरत रामलीला होती है 40 साल पहले, आज नहीं 40 साल पहले की बात बता रहे हैं कि रामलीला के अंदर जो अगर भगवान श्री रामचंद्र जी का जो है अगर सिंहासन पे आए हैं, अयोध्या जीत कर आए हैं, तो सिंहासन का अगर पर्दा गिरता था उस पर्दे पर लिखा होता था बुक्कल नवाब। अगर वहां पर जंगल के अंदर जा रहे हैं भगवान श्री रामचंद्र जी चले जा रहे हैं, तो जो वहां पर्दा गिरता है रामलीला के अंदर,
जो पर्दा गिरता है उस पर लिखा होता है बुक्कल नवाब, तो 40 और वहाँ के ऊपर गेट जो बनता था वो रामद्वार नाम से बुक्कल नवाब हमेशा से बनवाते चले आ रहे हैं, और रामद्वार जो है वो वहाँ चौक बनता है। अब हम मतलब अपनी पूरी कथा नहीं बना सकते, पिताजी ने तो मंदिर बनवाया है, अरे हमें पूर्वज बनवाते आलिया बेगम साहब ने कहाँ कहाँ मंदिर बनवाए, कितने मंदिर बनवाए हैं, क्या क्या किया है, हमारे ऊपर मतलब ये कि ब्लेम लगाया जाता है कि हम जो भाजपा में आ गए तो कर रहे हैं, अरे हम भाजपा में आ गए हैं तो नहीं कर रहे हैं, हम पहले ही करते थे, हमने ऐसा कुछ नहीं करा। और जो हमारी सरकार आप लोग दिखाएंगे नहीं है, दिखाएंगे एक मिनट सुन लिए, हमारी सरकार जो हम एक मिनट आप लोग काटिए करिए इसको देखिए, हमारी सरकार जो है भारतवर्ष के अंदर महिलाओं के लिए सबसे बड़ा कानून जो लेके आई है, नियम जो लेके आई है वो ये लेके आई है कि 12 साल के अंदर की बच्ची के साथ में अगर कोई भी मतलब इस तरह की कोई घटना होती है तो उसे फांसी चढ़ा दी जाएगी। और हमें फख्र है, हम फख्र के साथ इस बात को कह रहे हैं कि हमें राजस्थान में उड़ीसा में कई स्टेट है जहाँ को फांसी की सजा जो है सुनाई जा चुकी है। सर आपके सरकार में ही तीन ये हमारे फांसी लेने का जो है ये हमारे मोदी जी लेके आए, कोई सरकार नहीं लेके आई। सरकार में ही रेप तीन गुना बढ़ गया, पता है आपको तीन गुना रेप बढ़ गया है, ठीक है तीन गुना बढ़ गया, चार गुना बढ़ गया। आप हम एक सवाल कर उसके जवाब हमें देती है कोई सरकार हो, हमारी तो आज भाजपा की सरकार, आप हमको कह रहे हो ठीक है कहो आप, लेकिन हम ये बताएं कि कोई भी सरकार हो, कोई सरकार खुद चाहती है कि हमारी सरकार में रेप हो, हमारी सरकार में बलात्कार हो, हमारी सरकार में डकैती हो, हमारी सरकार में कत्ल हो, कौन सरकार चाहती है उस सरकार का हमें नाम बता दीजिए। आप नहीं पा रहे ना सर, नहीं रोक क्या नहीं पा रहे हैं, रोक रहे हैं हम क्या सबको अलाउ किए हैं क्या, आप इस तरह की बात करते हैं। बकरीद में कुर्बानी होती है भैया, हमने भी कराई थी। बुक्कल भाई बताइए कि अखिलेश यादव कह रहे हैं कि विष्णु भगवान का मंदिर बनवाएंगे, उसमें आप चंदा देंगे? कौन अखिलेश यादव ने कहा कि विष्णु पॉलिटिकल आदमी है, ये सवाल बहुत घुमा के लेके आते हैं रंजीत भाई हमारे जी। हाँ देखिए मतलब वो जो है अगर विष्णु भगवान का मंदिर बनवाएंगे तो बुक्कल नवाब उसमें भी चिंता थे। विष्णु भगवान आपको शायद मालूम नहीं है, आपको मालूम होना चाहिए, मतलब किसी हमें हिंदू भाई से मालूम हो तो मतलब एक अच्छी बात है, लेकिन ये कि एक मुसलमान बता रहा है ब्रह्मा विष्णु महेश, ये विष्णु जी का ही अवतार है, भगवान श्री रामचंद्र जी और श्री कृष्ण जी ये विष्णु जी का अवतार है, ये क्या आप मतलब क्या कहना चाहते हैं, मतलब ये कहना चाहते हैं भगवान श्री रामचंद्र जी विष्णु का अवतार है, अगर रामचंद्र जी का मंदिर बनेगा तो विष्णु जी का नहीं बनेगा, ये बिल्कुल गलत बात है। कितना चंदा देंगे वैसे, कितना चंदा देंगे इसकी ये अभी कोई बात नहीं, इनसे हमने सुना है और हमने कहा है। अब इसको स्वागत करते हैं इनके बयान का, अब इनके बयान का स्वागत नहीं करते, इनके बयान क्या है कि बयान तो वो बाप बेटी जब चले, हमको यहाँ से जो है वो ये सामने आसमान है और जमीन से मिलता हुआ दिख रहा है, हाँ हमें मिलता हुआ दिख रहा है, ये मिलता हुआ दिख रहा है और आगे मिल भी जाएगा, कभी ये लोग नहीं मिलेंगे नवाब, कभी नहीं मिलेंगे नवाब साहब। अमर सिंह ने हमेशा अमर सिंह ने एक बयान दिया है, कहा है कि अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के नेता नहीं नवाजवादी पार्टी के नेता है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे अखिलेश के बारे में भैया, उनके बारे में क्यों आप सवाल कर रहे हैं।